बीते दो दिनों से राजधानी का मौसम सुहावना बना हुआ है। मंगलवार सुबह लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान एक बार फिर सिमट कर 15.8 डिग्री पर आ गया। बुधवार से तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। रात में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। इस हफ्ते तापमान के 35 से 36 डिग्री तक रहने की संभावना है। मंगलवार की सुबह हल्की ठंड रही। ठंडी हवाओं से लोगों के दिन की शुरुआत हुई। 8 बजे तक धूप निकलने की वजह से मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवाएं पूरे दिन चलती रहीं। इसकी वजह से अधिकतम तापमान महज 33.5 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम, महज 15.8 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 26 से 78% रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। रात के समय एक से दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 3 अप्रैल यानी कि बुधवार की सुबह भी सुहावनी ही रहेगी। करें आगे के मौसम की तो 4 अप्रैल को बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान एक बार फिर 20 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 5 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। तो वहीं 6 से 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। 6 और 7 अप्रैल को हवाएं तेज चलेंगी। इनकी स्पीड 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 6 से 8 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। स्काई मेट की माने तो दो दिनों से दिल्ली का तापमान काफी कम हो गया है। बादलों और तेज सतही हवाओं की वजह से तापमान में ये गिरावट हुई है। आमतौर पर अप्रैल में राजधानी 40 डिग्री के स्तर को छू लेती है। 2009 से लेकर पिछले 15 सालों में हर साल यही ट्रेंड देखने को मिला है। इसमें अपवाद सिर्फ 2012 रहा। 2012 के अप्रैल में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री को पार नहीं कर पाया था। वहीं 18 अप्रैल 2010 को तापमान 43.7 डिग्री को पार कर गया था। अब इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मंगलवार देर रात ही कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के पास पहुंचा है। इसकी वजह से दिल्ली में बादल छाने की संभावना है। रात के समय हल्की बारिश और बौछारों की भी संभावना बनी हुई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।